हे गाइस वेलकम टू न्यू व्लॉग। बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और गाइस मान लो इतने दिनों बाद वीडियो आ रही है, लेकिन अब जो वीडियो आएगी अब सारे इवेंट्स की आएगी और बहुत सारे इवेंट्स आने वाले आगे आगे जाके। और अभी हम जा रहे हैं आपका इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जो आपका वहाँ पे होता है प्रगति मैदान के अंदर। हर साल लगता है ट्रेड फेयर, तो अब जनरल डेज चालू हो चुके हैं। आपको दिखाता हूँ हर चीज़ के। बिजनेस डे में थोड़ी टिकट की दिक्कत होती है, तो मैं जनरल डेज में जा रहा हूँ, आपको दिखाऊंगा सारी चीज़ें कि कौन से स्टॉल लगे हैं। हॉल 1 से लेके 14 या 15 तक हॉल लगते हैं, सारे हॉल दिखाऊंगा आपको। हॉल में क्या क्या कौन से लगे हैं, मतलब कौन से स्टेट के लगे हैं, कौन सी चीज़ों के लगे हैं, कौन सी कंट्री के लगे हैं, हर चीज़ दिखाऊंगा आपको। और बाकी आपको दिखाते हैं वहाँ पे फूड का भी लगा हुआ है, खाने पीने का भी, खाने पीने की क्या क्या चीज़ें अब लॉन्च हो रही है, चीज़ें क्या क्या बिजनेस वाले यूज़ कर रहे हैं। अब बस पहुँचते हैं आपको, वहाँ जाकर डायरेक्ट दिखाते हैं। तैयार में हो चुका हूँ, बस पहुँचते हैं आपको डायरेक्ट, लोगों लोकेशन दिखाते हैं और टिकट कैसे कैसे बुक होनी है, कैसे कैसे होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो बने रहना एंड तक। और जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने सब दोस्तों को शेयर कर देना। अब चलते हैं और लेके चलते हैं आपको प्रगति मैदान में। आपको दिख रहा होगा ये नीचे बेसमेंट पार्किंग बना रखी है उन्होंने, मतलब भैरव मार्ग से ही आपकी नीचे बेसमेंट पार्किंग पड़ती है। और आपको बेसमेंट में जाना सीधा एक, मतलब अंडरग्राउंड अंडरपास से आएगा, अंडरपास में घुसते ही आपको बिल्कुल सामने ही आ गया आपको पार्किंग मिल जाएगी। देखना, आपकी स्कूटी पार्क करूँगा, आपको बता दूंगा कि क्या प्राइस है, क्या सब कुछ है। ये पूरी आपकी पार्किंग जा रही है, तो आगे तक पूरी जा रही है। अभी साइड में कट आएगा वो पार्किंग का पहुँच जाएगा। पूरी पार्किंग है आपकी। टू व्हीलर के रेट है मतलब आपके 50 रुपीज़, और मतलब 4 व्हीलर के रेट है आपके 100 रुपीज़। अभी पूरे टाइम के लिए खड़े करने के लिए इधर होगा आपको, तो पूरी पार्किंग है बहुत बड़ी आपकी। गाइस मतलब यहाँ पे एंट्री कर लिया हमने, आपको दिखाते हैं पहले हॉल नंबर 1 से हर चीज़ कि हॉल नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें दिखाई, फिर हॉल 2, फिर हॉल 3, हॉल 4 लकी है साइड में। अब चलते हैं आपको एंट्री कराते हैं, हम हॉल 1 में दिखाते हैं। और गाइस आपको दिख रहा है हॉल नंबर 1, यहाँ सबके हॉल नंबर हैं, 1 की एंट्री होगी, आपको दिखाऊंगा हर चीज़ जैसे होगी। और यहाँ पे आपको हॉल 2, हॉल 3, हॉल 4 सारे लग रहे हैं। आपके हॉल 1 से एंट्री लेते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर कौन से तरह के पवेलियन लगे हैं और स्टॉल्स लगे हैं। आपको हॉल नंबर 1 है जिसमें आपकी एंट्री ले रहे हैं, आपको दिखाते हैं साइड पूरा देख रहे आपको। देखो मिनिस्ट्री ऑफ पावर लगा रखे हैं, झारखंड का चालू हो रहा है, झारखंड से आपको दिखाते हैं पूरा स्टॉल वगैरह अच्छे से। झारखंड का स्टॉल है आपको दिख रहा होगा, ये सामने आपके मतलब अपने अपने अलग हर स्टेट के लगे हुए हैं, अपने अपने मतलब सजावट के सामान, वो डेकोरेशन हो गई, हर चीज़ लगी हुई है आपको दिख रही होगी। स्टॉल लगे झारखंड के दिख रहे होंगे आपको, हर जगह डेकोरेशन के स्टॉल लगे हैं। यहाँ पर रांची स्मार्ट के नाम से कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो प्रोजेक्ट के ऊपर लगे हुए हैं। बाकी आपको हर तरह के डेकोरेशन का आइटम, मतलब सूट साड़ी जो वहाँ का होता है, ट्रेडिशनल होता है आपका, हर चीज़ मिल जाएगी आपको दिख रहा होगा। आपको आगे साइड आपका कौन सी मिल जाएगी दिख रहे होंगे आपको, मतलब जो वहाँ के इनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं झारखंड के, ये घी वगैरह हो गया, और आपके सूट जो शॉल्स हो गई, डेकोरेशन आइटम हो गया, और मतलब एसेसरीज हो गई इनकी, और बेडशीट्स कवर पिलो कवर सब मिल जाएंगे आपको दिख रहा होगा। सारी चीज़ें आपको सारा डेकोरेशन आइटम मिल जाएगा दिख रहा होगा, जो सरस का होता है ना आंध्र प्रदेश का, जो भी है आपके हैंडीक्राफ्ट से सारे हैंडीक्राफ्ट मिल जाएंगे। देखो कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर लाइट, आपको दिख रही होगा कितनी प्यारी लाइटें हैं। बाकी आपको हर तरह का आइटम मिल जाएगा, देखो झारखंड के स्टॉल्स थे आपको दिखाए थे, सारे कपड़े झारखंड के मिल जाएंगे आपको साइड। और यहाँ पर आपका देखो एक कप मग्स वगैरह हो गए, और आपकी साड़ीज़ हो गई, साड़ी सारे मिल जाएंगे आपको, सूट शॉल्स वगैरह बहुत ही। एंट्री कर रहे हैं इसके अंदर दिख रहा होगा वो डब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ MCMA एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, बस आईडॉप के नाम से कुछ है है ना, 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट के नाम से। अभी एंट्री करते हैं आपको दिखाते हैं सर अंदर स्टॉल से कितने लगे आपके। ये आपका यूपी का है, मतलब यूपी का स्टॉल है पूरा, आपको दिख रहा होगा इधर आपका नोएडा मिल जाएगा, नोएडा भी और सामने दिख रहा होगा स्टॉल नोएडा का। बाकी हर चीज़ लिखा है यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें इंडस्ट्रियल पार्क मतलब बनने वाला नोएडा के अंदर दिख रहा होगा आपको, यूपी के अंदर क्या क्या चीज़ें ये स्टार्ट करने वाले, क्या क्या चीज़ आप पॉज करके पढ़ सकते हो उस चीज़ को। Sector 28 बनेगा, क्या टॉय पार्क बनेगा, हर चीज़ कोरियन सिटी, जापान सिटी, सब कुछ चीज़ बन रही है दिख रहा होगा आपको हर चीज़ में, आप पढ़ सकते हो चीज़ को। ये दिख रहा होगा गाइस आपको डेकोरेशन का सामान कितना अच्छा लग रहा है, देखो मतलब क्या कुछ प्लेट है, पता नहीं क्या चीज़ है दिख रहा होगा पूरा। ये आपको बाकी प्रोग्राम है, प्रोग्राम सारे चीज़ें हो रहे हैं, मतलब अलग स्टॉल दिखते रहेंगे आपको धीरे करके। या वुमेन एम्पावरमेंट का डिपार्टमेंट बताया हर चीज़, देखो दिख रहा होगा आपको, ये टीच है सब कुछ दिखा रखा है, टूरिज्म सारा बिहार का दिखा रखा है, ये बिहार के स्टॉल होंगे आपके। और यहाँ से आपको एंट्री करके दिखाते हैं पूरा पूरा, सरकार ने जो नया चालू कराया है, ये तो मन की बात है सामने दिख रहा होगा आपको, मन की बात की तरह अपने फोटो खिंचवा सकते हो आपको सोचते हो है ना। और ये आपके लिए एक स्टॉल बना रखा है, और ये आपको देखो माय गवर्नमेंट इंडिया, और यह नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो मिले थे अभी आप लोग आपको, नेशनल क्रिएटर अवार्ड लेते हैं क्रिएटर बड़े बड़े आपके, उन सबकी फोटोज लगी हुई है, दिखा दो आपको पास जाके मैं आपको। यहाँ पर कितने सारे क्रिएटर्स हैं देखो आपको, ट्रेकन खान, अंकित बहनपुरी हो गया, बाकी बहुत सारे थे आपके, टेक्निक गुरु जी हो गया, और अन्य आलू भाजिया, बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, बहुत सारे यूट्यूबर्स अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से
और गाइस ये दिखा जी एस टी एंड कस्टमर पेवेलियन, मतलब ये जो GST अप्लाई करते हैं लोग हर चीज़ के लिए, उसके लिए बनाना क्या क्या चीज़ें मतलब अपग्रेड होगी इस में, क्या क्या नहीं होगी। बाकी यहाँ पे आपका किड्स एरिया पता नहीं है कुछ उन्होंने वैसे बना रखा है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। ये कुछ उन्होंने चालू करा डिजी लॉकर वगैरह, ये भीम UPI वगैरह ना उन चीज़ का लगा रखा है उन्होंने प्रॉपर, आपका दिख रहा होगा हर चीज़। और उमंग डिजी लॉकर जो चीज़ हम यूज़ करते हैं सरकार के थ्रू ऐप्स होते हैं जो, वो सारे हैं। और आपके ये वाले NHM लगा हुआ है दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे दिख रहा होगा। बाकी आपके आगे जाके और स्टॉल्स है, आपको आगे जाके स्टॉल्स दिखाता हूँ मैं। GST कस्टम्स का ये यहाँ पे जो आपके नॉर्मल्स होते हैं यहाँ का चीज़ें, ये देखो शायद बच्चे बच्चे कर रहे कलर कलिंग वगैरह पड़े। बाकी यहाँ पे आपको कोल इंडिया मतलब जो कोल्स होती है उसके बारे में बता रखा होगा, यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें मगर बहुत बड़ा है ये आपका हॉल नंबर 4 पे आ गए। और हमारे देश बहुत ही स्मार्ट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि बीच आपके सामने जो मंच में बच्चे खड़े हैं कितने खुश नजर आ रहे हैं, और हमारा देश का ये भविष्य है, देख लो कितना खूबसूरत है ना, मुस्कुराहट आ रही है भविष्य में। तो आइए भविष्य में हम सब लोग जागरूक हों, एक दूसरे का कहना माने, एक दूसरे का सम्मान करें। कहते तुम्हें कम हुआ होता और गुस्से से कहा जो आपने वही जरा हंस के कहा होता है, तो प्यार की बात अलग होती है। तो आइए हम सब लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें, खुद आगे बढ़े और देश को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ में हम आपके सामने इन बच्चों को सम्मान देते हैं और इनको अभी एक RBI तरफ से गिफ्ट भी देंगे। तो एक बार जोरदार से तालियां इन बच्चों के लिए, शानदार तालियां, और चलते हैं इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। और आप देखेंगे मेरे पास एक बैग है और बैग से ये हमने 3 झंडे निकाले हैं, रेड कलर के हैं। ओके पियेंगे 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 एक इस बोतल को जांच करना है, रुमाल डाल के जाए, रुमाल हटा के जांच करें, रुमाल हटा के जांच करें, ताली बजा दीजिए। चलिए रुमाल हटा करके इस बोतल को हम जांच करते हैं, तमाम वाओ। बोतल तो गायब हो गई लेकिन एक मोबाइल बन गया। ये मोबाइल नहीं है, ये आपका बटुआ है, आपका पर्स है, आपकी बैंक है और बैंक आपके जेब में है। हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, डिजिटल लेन देन का फायदा उठाएं, और आपको हम बताना चाहते हैं डिजिटल लेन देन करने के लिए आपको अपने बैंक में, अपने खाते में, अकाउंट में आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराना होगा, ईमेल आईडी दर्ज करानी होगी, इसके बाद में बैंकिंग ऐप के माध्यम से आप लोग डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। लेकिन साथ में जिनके पास कीपैड मोबाइल है *99H के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसा फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन सावधानी रखिएगा, अपना ATM कार्ड का CVV नंबर और आप वन टाइम पासवर्ड या बैंकिंग डिटेल कभी किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो आपके साथ दिख रहा होगा ये माइंस का इन्होंने बनाया हुआ था क्यूब सा, और ये पूरा माइंस के ऊपर है, मतलब नाल को वगैरह दिख रहा होगा, सारे स्टॉल्स लगे आपके माइंस से रिलेटेड आपको दिख रहे होंगे। कितना प्यारा लग रहा है, मतलब गेट एंट्री गेट दिखाओ, कितना प्यारा लग रहा है माइंस का। बाकी DMF वगैरह तो के होंगे, प्रोजेक्ट वगैरह होंगे, उन सब प्रोजेक्ट के बारे में लिखा होंगे। बाकी सब छोटा क्यूब लग रहा है आपको, दिख रहा होगा साइड से, अगर आपको रोडेट में दिखाओ उसको, पूरा क्यूब बना रखा है ये, बहुत अच्छा लग रहा है स्क्रीन वाइज, देखो कितना प्यारा लग रहा है साइड से। बाकी वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ हो रहा है, आपका दिखाता हूँ पास जाके आपको मैं चीज़ें, देखो ये आपके माइंस दिखा रखे, आपको पास जाके दिखाता हूँ मैं,
किस टाइप के होते हैं, देख रहा होगा मलाची के कोई होता होगा है ना, ये सेलेंट्री मेक्सिको का कुछ होगा पत्थर। यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं रू गार्डन, ये दिखा रहा है क्रिस्टल, आपको कितना प्यारा लग रहा है जो क्रिस्टल बनते दिखा रहे हैं चीज़ों के ऊपर बने हैं। ये पत्थर है देखो, दिख रहा होगा कितने अलग लगता है, दिख रहा होगा डिटेल में गाइस। आपको ये दिख रहा होगा ये भारतीय रेल का है, मतलब ऑप्शन बना रखा है, आपको दिखाते हैं अंदर जाके कि भारतीय रेल के बजट बना रखे होंगे, क्या चीज़ होगी और क्या चीज़ होती थी पहले, वो सब की एंट्री दिखाता हूँ आपको मैं। तीसरी आपको भारतीय रेलवे का क्यूब बना रखा है आपको, और एक बजट बना रखा है इंडियन रेलवे का, आपको दिख रहा होगा कितना प्यार से लग रहा है पहले, वो रेल म्यूजियम की तरह पूरा बनाता है, वो बजट कितना अच्छा लग रहा है सामने, आपको पास जाके दिखाता हूँ। बाकी यहाँ से देखो कितना प्यार लग रहा है आपको, दिख रहा होगा ये देखो कितना बड़ा ट्रेन का मॉडल है, ये देखो पास दिख रहा हो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा सर आपको बना रखा मॉडल, कितना प्यारा लग रहा है नमो भारत का, ट्रेन सारी आगे पीछे हो जा रही है, देख रहा है नमो भारत का आपका, वो देखा वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई, ये वाले आपकी नमो भारत हो गई, वो आपकी अमर भारत हो गई, जो अलग जाती है देखा होगा नमो भारत सब लिखे ना, सब ट्रेन से लिखी आपने देखा कितनी प्यारी लग रही है सर, कितने प्यारे नए नए प्रोजेक्ट चालू हुए थे ट्रेन के आपके। पंजाब का स्टॉल है दिख रहा होगा, दिखाते हैं पंजाब के अंदर साइड जाके स्टॉल सारे कितने अच्छे अच्छे बने हुए, दिखाता हूँ अपने जाकर पूरी चीज़ें में पंजाब के स्टॉल, मतलब कि दूध के आइटम जो होते हैं इनके वहाँ के पंजाब के साइड्स के, दिख रहे हैं जो वहाँ का होता है, मतलब आपका सारे खाने पीने के तो वहाँ के फेमस आइटम्स होंगे अच्छे होंगे, साइज के स्टॉल लगा रखे हैं। बाकी आपके यहाँ साइकिल का लगा रखा है इन्होंने, दिख रहा होगा आपको साइकिलिंग का लगा रखा है साइड से आपको, ये इलेक्ट्रिक साइकिल जी सर, देखिए इलेक्ट्रिक साइकिल ये तेरी हीरो इलेक्ट्रिक साइकिल दिखा रखी है पूरी में। बाकी सारे शॉर्ट्स लगा रखे उन्होंने नॉर्मल अपने खाने पीने के लिए हो गए, और अब जो जो वहाँ पे विकसित भारत में हो रहे होंगे नई चीज़ें। भाई जी आगे आपका हरियाणा वाला, हरियाणा में जाकर दिखाते हैं आपको कितना अच्छा लगेगा, अपने जाके दिखाते हैं हर चीज़ को। आइए देख रहे हो कि फोन कितने अच्छे लग रहे हैं, मेटल बना रखा है ताँ उक्का खींच रहे हैं, मतलब ताँ बैठे बैठे देख से चल रहा है पर अपना। बाकी सारे स्टॉल सबके आगे लगे हुए हैं, दिखाते हैं आपको ये कुरुक्षेत्र का, दिख रहा होगा आपको इसका कितना प्यार लग रहा है अपने। बाकी आपको दिखाना है गिफ्ट आइटम वगैरह, गाइस ये आपका आंध्र प्रदेश का स्टॉल है, दिख रहा होगा आपको थोड़ा बड़ा स्टॉल, और ये देखो सामने मूर्ति लगी हुई है पहले लग रही है। और गाइस ये बच्चों के लिए किड्स एरिया बना रखा है, मतलब कि बच्चे अपना एंजॉय कर सकते हैं, मैंने भी चीज़ पहली बार देखी है शायद साल किया होगा टॉय पार्क वगैरह के नाम से, बच्चे अपना एंजॉय कर सकते हैं, मतलब फैमिली घूम सकती है कोई इशू नहीं, यहाँ पे आपका बच्चे अच्छे लगे फैमिली के साथ आओगे तो आराम से यहाँ पे आराम से, मतलब आप अपना एंजॉय करो और बच्चे यहाँ पे एंजॉय करेंगे अपना घूम सकते हो पूरा देखो। और भाई दिख रहा होगा तमिलनाडु का पूरा प्रोजेक्ट बना रखा है उन्होंने, जो चीज़ें मतलब ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में दिखा रखा है और पर एग्रीकल्चर दिखा रखे हर चीज़ प्रोजेक्ट बना रखे, कितना प्यारा लग रहा था उस साइड से, बहुत प्यारा लग रहा है साइड से दोनों में। और बाकी एंट्री गेट है आपका तमिलनाडु का यहाँ से, और ये शायद उन्होंने बना रखा है गालीगंज बस स्टैरिंग बस के नाम से बना रखा, दिख रहा होगा बस हो गए टिटल पार्क कोई कैंप और नेशनल पार्क वगैरह सब चीज़ हो गई हर चीज़ दिख रही है। गाइस आपका दिल्ली का आ गया है, मतलब कि पवेलियन आपको दिल्ली का दिखाते हैं क्या क्या स्टॉल्स लगे, स्टॉल्स आपके वही होंगे नॉर्मल देखो आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जो जो काम होने वाला होगा यहाँ पे वो चीज़ दिखाएंगे आपको दिल्ली पवेलियन के नाम से। बाकी स्टॉल्स आपके वही की डेकोरेशन के आइटम हो गए हर चीज़ हो गए, वही दिख रहा होगा आपको सारे स्टॉल्स लगे पड़े आपके खाने पीने के, जो नॉर्मल स्टॉल्स होते हैं ना आपके हर दिल्ली के फंक्शन में लगते हैं वही सारी चीज़ें दिखेगी दिल्ली के आपको, क्योंकि क्योंकि बाहर देश के जो लगाता है वो चीज़ अलग होती है, बाकी यहाँ सारे दिल्ली के आप कैसे मिलेंगे आपको दिख रहा होगा सारे स्टॉल वगैरह, देखो टे टू जेड आपके सारे स्टॉल वैसे ही होंगे दिल्ली में। और गाइस ये आपका दिख रहा होगा जम्मू कश्मीर का पवेलियन है, आपको उसको दिखाता है इसके अंदर ही बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं इनके अच्छे दिख रहे होंगे आपको, हर तरह के स्टॉल्स लगे आपको, और आपको सारे जम्मू कश्मीर के स्टॉल्स हैं आपके यहाँ पे हर तरह के, मतलब यहाँ के जो गर्म कपड़े होते हैं मतलब कि सर्दियों के विंटर्स के वो सारे आपको अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, हर चीज़ मिल जाएगी आपको स्टॉल्स के हिसाब से, सूट्स हो गए सलवार हो गए यहाँ के कुछ हो गए हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ये सूट्स सूट वूट तो ज़्यादा होते हैं मतलब जम्मू कश्मीर जो सूट्स होते हैं आपको वो सब मिल जाएंगे, शॉल्स मेन होती है शॉल्स वगैरह हो गए आगे हर चीज़ हो गई हर चीज़ मिलेगी आपको। वैसे ही आपका अरुणाचल प्रदेश है पूरा इसका स्टॉल दिख रहा होगा, छोटा स्टॉल है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में लाइटिंग वाइटिंग और इनके जो आइटम्स होते हैं मतलब वहाँ के फेमस जो हर चीज़ की डेकोरेशन आइटम हो गए और पहनने के सारे आइटम हो गए सारी चीज़ें दिख रही होगी आपको, कितनी सारी चीज़ें लगा रखी हैं यहाँ पे, बाकी आप पॉज करके देख सकते हो जिसको हर चीज़ को। और गाइस ये दिख रहा होगा आपको उड़ीसा का स्टॉल पूरा आपका कितना प्यारा सजा रखा है साइड दिख रहा होगा कितना प्यारा सजा रखा है साइड पर उड़ीसा का। और गाइस इस वीडियो में आपको मैंने सारे स्टॉल दिखा दिए, मतलब कि हॉल नंबर 1 से लेके 6 तक के हॉल दिखा दिए हैं, अब इसके आगे आपको मैं दिखाऊंगा दूसरे हॉल, उसके लिए वो अगली वीडियो का पार्ट देखना आप ठीक है, क्योंकि अब हम चलते हैं दूसरे स्टॉल में, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो अपने सब दोस्तों को है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना जब सब्सक्राइब चैनल नहीं किया ठीक है, आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट सारे हॉल मिलेंगे तब।
तकलीफ आए, टेक केयर एंड लव यू ऑल।